गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में एनिमल किंगडम का चैप्टर स्टार्ट किए थे, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि एनिमल तो हमारे अर्थ पर बहुत तरह का है, जैसे हम लोग खुद एक एनिमल का एग्जांपल है, कॉकरोच है ना, आपका अर्थवॉर्म है, फ्रॉग है, फिश है, लेकिन सारा एनिमल एक तरह का नहीं है। हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं, 2 मिनट 3 मिनट में। तो किस बेसिस पर हम लोग एनिमल को कैटेगराइज करेंगे, किस बेसिस पर हम लोग एनिमल को डिवाइड करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, उसके कैरेक्टर पर, उसके सिमिलरिटीज़ पर, कि कौन कौन सा कैरेक्टर उसमें सिमिलर है ना, कि कुछ कैरेक्टर जो सिमिलर होगा उसका ग्रुप ए। तो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस के आधार पर हम लोग उसको बांटते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में 2 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ प्रीव्यू देख लेते हैं हम लोग, कि वैसा एनिमल जो सिर्फ सेल लेवल पर हो, पॉरीफेरा, वैसा एनिमल जो टिश्यू लेवल पर हो, मतलब उसमें ऑर्गन नहीं है, टिश्यू तक डेवलप हुआ, सिलेंट्रेटा, ऑर्गन लेवल प्लेटिहेलमिंथस, और ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्कहेलमिंथस या नेमाटोड से लेकर मैमल ह्यूमन तक। फिर हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग सिमिट्री, सेकंड क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिट्री। हम लोग सिमिट्री का मतलब हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन, सेक्शन मतलब खंड, कि हम लोग एनिमल को वो 2 इक्वल हाफ में कटता है, बायलैटरल सिमिट्री या रेडियस से कटता है, सेंट्रल एक्सिस से कटता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिट्री भी हम लोग पढ़ चुके थे, बायोलेटरल में ऑलमोस्ट एनिमल, हम लोग खुद बायोलेटरल का एग्जांपल है, कॉकरोच बायोलेटरल का एग्जांपल है, फिश, फ्रॉग, अर्थवॉर्म, ऑलमोस्ट एनिमल बायोलेटरल सिमिट्री। बाय मतलब दो, लैटरल मतलब साइड, और सिमिट्री मतलब सेक्शन, 2 साइड सेक्शन फ्रॉम 1 प्लेन। और रेडियस में क्या था, स्टार फिश, मोर देन 1 प्लेन से वो इक्वल हाफ में कटा था। ये दोनों पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल। तो हम लोग इस पॉइंट पर पहले फोकस करते हैं। जर्मिनल मतलब क्या होता है, अगर हिंदी देखते हैं तो जनन, और जनन में क्या होता है, जन्म। तो जर्मिनल लेयर यानी वैसा लेयर, वैसा स्तर जो जर्मिनेट करता हो, जन्म देता हो, किसका जन्म। तो आप लोग सिंपल थोड़ा सा जाइए बैक, अगर हम लोग बात करते हैं गेमिट का, स्पर्म का, और फिर किसका बात करते हैं हम लोग, ओभम का, ये दोनों मिलता है, ये क्या बन जाता है, जायगॉट। क्या बनता है, जायगॉट। ये जायगॉट एक सेल है। अब ये जायगॉट क्या होगा, ये डिवाइड होगा, ये अब फर्दर डिवाइड होगा, इस तरह से क्या होगा, ये डिवाइड होकर जर्मिनल लेयर में अरेंज हो जाएगा। ग्रुप ऑफ सेल है, जर्मिनल लेयर है, यानी जितना भी टिश्यू या जो ऑर्गन होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, तो जो भी टिश्यू है, टिश्यू के बाद ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम है, तो वो टिश्यू इसी जर्मिनल लेयर से बनता है। तो टिश्यू का फॉर्मेशन इस लेयर से हो रहा है, इसका नाम हो गया क्या, जर्मिनल। तो यहाँ पर कितना लेयर है, एक लेयर है एक्टोडर्म, दूसरा लेयर है इंडो डर्म, ऐसे डर्म मतलब स्किन भी होता है और लेयर भी होता है। तो इक्टो मीन्स आउटर, आउटर डर्म, और इंडो मीन्स इनर। इक्टो का मतलब आउटर, तो आउटर है भी, देखिए बाहर का, ये अंदर का, और इंडो मीन्स इनर। तो अगर किसी एनिमल के बॉडी में 2 जर्मिनल लेयर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे हम लोग, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब 2, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक विच हैव 2 जर्मिनल लेयर एंड इसका एग्जांपल आपका होगा सिलेंट्रेटा और पॉरीफेरा। किसी किसी बुक में पॉरीफेरा मेंशन नहीं करता है, लेकिन पॉरीफेरा भी डिप्लोब्लास्टिक है, और सिलेंट्रेटा आपका एनसीईआरटी में मेंशन भी है, सिलेंट्रेटा जिसका एग्जांपल हाइड्रा है, हाइड्रा सी एनिमोन है ना, गॉर्गोनिया सी फैन, जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एग्जाम्पल में। तो ये सब आपका
जो होगा वो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। हम लोग स्मार्ट जो टीवी है उस पर भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, कि किस तरह का उसका ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो मतलब थ्री, ट्राई मतलब तीन, ट्रायंगल है ना। तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक न्यू जर्मिनल लेयर आ जाएगा। एक जर्मिनल लेयर हम लोग ये देखते हैं, एक जर्मिनल लेयर हम लोग का ये हो गया और एक आपका सेल है ये। यहां पर क्या हम लोग देखे हैं, यहां पर हम लोग का एक इक्टो है, एक इंडो है। तो ये तो हो गया इक्टो, नो डाउट, ये हो गया इंडो। तो बीच का क्या हो गया, तो बीच का आपका हो गया मेजो, मेजो मतलब मिडिल, मेजोडर्म, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। तो ये न्यू आ गया ना, इक्टो और इंडो के बीच में आ गया मेजोडर्म। तो मेजोडर्म जब रहेगा तो इसको बोलेंगे थ्री जर्मिनल लेयर, और जितना भी टिश्यू होगा वो टिश्यू, वो ऑर्गन, सारा कुछ आपका इसी से डेवलप होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से स्टार्ट होगा, तो प्लैटीहेल्मिंथस यानी फ्लैट वॉर्म, प्लैटीहेल्मिंथस टू मैमल यानी हम लोग, यानी प्लैटीहेल्मिंथस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, फिश, एम्फीबिया, बर्ड्स, मैमल, ये सब का सब क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी उसका बॉडी में थ्री जर्मिनल लेयर होगा एंड ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन डेवलप फ्रॉम दिस थ्री जर्मिनल लेयर और बाय दियर कॉम्बिनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग का ब्रेन इक्टोडर्म से बना होता है, हम लोग का ब्रेन जो होता है इक्टोडर्मल, आई का कॉर्निया इक्टोडर्म, ठीक है, हार्ट मेजोडर्म, स्किन जो है ये तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी बॉडी का अलग अलग ऑर्गन किसी एक लेयर से या लेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसलिए इसका नाम हो गया जर्मिनल लेयर। तो यानी एनिमल दो तरह का हो जाएगा, या तो दो लेयर का डिप्लोब्लास्टिक या फिर थ्री लेयर का ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग इसको हम लोग पिक में भी देख लेते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में और समझ में भी ज़्यादा आएगा। हम लोग अगर देखते हैं क्या, तो डिफिनेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आपका भेजा हुआ भी है। आप देखिए ये ऊपर का पर्पल ये सेल का लेयर और एक अंदर का, ये हो गया इक्टोडर्म, आपका लिखा हुआ भी है पर्पल इक्टो, और ये जो अंदर का है वो इंडो। तो आप से देखिए क्वेश्चन एक आया कि ये जो पिंक वाला है वो क्या है, तो आप देखिए इसमें सेल है, न्यूक्लियस है, इसमें भी सेल है, लेकिन इसमें सेल है नहीं, यानी मेजोगोलिया क्या हो गया, नॉन सेलुलर। मेजोगोलिया जो है वो बिना सेल का जेली लाइक सब्सटेंस है। तो डिप्लोब्लास्टिक में इक्टो और इंडो के बीच में एक मेजोगोलिया होता है, किसी किसी बुक में इसको हम लोग टायनकाइमा और मेसेनकाइमा भी पढ़ते हैं, पॉलीफेरा सिलेंड्रेटा में होता है, और समटाइम्स अमीबॉइड सेल इसमें पाया जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कंपेयर कीजिए कि इसमें ये सेल बीच में नॉन सेलुलर, लेकिन यहाँ पे आपका पर्पल वाला एक इक्टोडर्म, बीच में मेजोडर्म, देखिए सेल बन गया, इसमें सेल नहीं इसमें सेल है, और ये सबसे अंदर इंडोडर्म। तो इक्टोडर्म, मेजोडर्म, इक्टो पिंक, मेजो और जो लाइट कलर का वो इंडो। तो तीन जर्मिनल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक और दो जर्मिनल लेयर डिप्लोब्लास्टिक, क्लियर। ये हम लोग पिक से भी क्लियर कर लिए, जो हम लोग को ज़्यादा समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट किस बेसिस पर क्लासिफाइड करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, सिलोम का मतलब क्या होता है, कैविटी, या इसको हम लोग बॉडी कैविटी। हम लोग का हार्ट कहाँ है, कैविटी में है, यहाँ पे स्पेस है तभी तो एक्सपेंड होता है। लंग्स, किडनी सब क्या है, बॉडी कैविटी में है। तो ये सिलोम सभी में नहीं होता है। सिलोम के बेसिस पर तीन तरह का पॉइंट निकलेगा आपका। पहले हम लोग पॉइंट को लिखते हैं, फर्स्ट ए सिलोमेट, बी
स्यूडोसिलोमेट और सी सिलोमेट या इसको हम लोग यू सिलोमेट भी कहेंगे, ठीक है। तो कहता है क्या, ए हम लोग पहला क्लास जब हम लिए थे तो बताए थे कि बायो में दो तीन वर्ड आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्या कि अगर किसी वर्ड के पहले ए, ए अलग से नहीं है, ए और सिलोम अलग नहीं है, अटैच है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉट। और सिलोमेट का मतलब कैविटी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए मिस नॉट और सिलोमेट मतलब कैविटी, यानी इसमें बॉडी कैविटी नहीं है, इसमें बॉडी कैविटी नहीं है। अगर हम लोग एक रफ डायग्राम देखते हैं, ठीक है, तो सिंपली देखिए, ये हो गया एक्टोडर्म, अभी हम लोग पढ़े भी हैं जस्ट, ये बीच का लेयर मेजो और सबसे अंदर का लेयर इंडो। आप देखिए ये तीनों के बीच में स्पेस है क्या, ये तीनों एक्टो मेजो इंडो के बीच में स्पेस है, नहीं है स्पेस, ठीक है, स्पेस नहीं, यानी कि इसमें बॉडी कैविटी नहीं है, नॉट सिलोमेट, नॉट कैविटी, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मतलब फाइलम ग्रुप कौन सा, तो फाइलम प्लैटीहेलमिंथस, फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस का जितना भी होगा, जैसे गया, तो गया तो क्या डिस्ट्रिक्ट है ना, कोई एक आदमी तो है नहीं, कोई मोहल्ला है नहीं। अब गया में जितना भी लोग है, यानी उस तरह से प्लैटीहेलमिंथस पढ़े भी हम लोग नाइन्थ क्लास में, इसमें बहुत सारा एनिमल आता है, अप्रॉक्स 9000 टाइप्स ऑफ एनिमल आता है, 9000। तो 9000 जितना भी एनिमल होगा सब बिना बॉडी कैविटी का होगा, उसका जितना भी जर्मिनल लेयर है वो आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, ऑल जर्मिनल लेयर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है। सेकंड सीडोसिलोमेट, तो सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, क्या होता है, फॉल्स, तो फॉल्स मतलब क्या होता है, गलत। और सिलोमेट का मतलब क्या होता है, कैविटी, हम लोग बार बार याद रखना है, सब वर्ड याद रखना, सिलोम मतलब कैविटी, तो क्या मीनिंग निकल गया, फॉल्स कैविटी, यानी कैविटी तो है लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कैविटी का डिफिनेशन देखते हैं, तो फिर ये सीडो सिलोमेट समझ में आएगा। तो पहले हम लोग सिलोमेट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, या यू, यू का मतलब हमेशा ट्रू होगा और सिलोमेट मतलब कैविटी, यानी ट्रू कैविटी। आप कंपेयर कीजिए फॉल्स और ट्रू, तो ट्रू किसे बोलेंगे, कंसीडर करना, जैसे हम लोग का ये मान लो कि ये इक्टोडर्म है, ये इक्टोडर्म, ये आपका हो गया इंडोडर्म, और ये दोनों लेयर को हम लोग बोलेंगे मेजो, ये इक्टो, ये इंडो, ये मेजो। तो मेजोडर्म क्या होगा कि दो भाग में टूट जाएगा, आधा चला जाएगा इक्टो के साथ, आधा चला जाएगा इंडो के साथ। देख रहे हैं कि मेजोडर्म जो था, ये दोनों फिंगर मेजो है, ये ब्रेक होकर आधा इक्टो के साथ और आधा इंडो के साथ, तो बीच में स्पेस बना, इस स्पेस को ही हम लोग बोलते हैं सिलोम, यानी सिलोम के चारों तरफ क्या है, मेजो, इधर भी मेजो, इधर भी मेजो। इसको हम लोग बोर्ड पर अगर देखते हैं तो आप लोग इस तरह से देख पाइएगा, समझने के लिए है, क्योंकि डायग्राम में सिर्फ मेंशन होना जरूरी है कि क्या शो कर रहे हैं। देखिए ये हो गया इक्टो, ये हो गया इंडो, अब इसके साथ हाफ पार्ट मेजो हो जाएगा, हम लोग पूरा पिक नहीं बनाते हैं, ठीक है,
और इसके साथ भी ये भी मे जो है और ये पॉइंट भी मे जो है, यानी ये जो स्पेस हो गया, ये स्पेस क्या हो गया, सिलोम, मतलब ये मेजो तो बीच में क्या बना, हम लोग का कैविटी बना, तो इस कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग पूरा में देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मेजो है और आपका ये भी मेजो है, तो बीच में स्पेस बन रहा है। तो ऐसा स्पेस बनेगा जब दोनों मेजोडर्म के बीच में कैविटी बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे यू सिलोमेट और सिलोमेट। सिलोमेट में कौन कौन आ जाएगा, तो एनेलिडा अर्थवॉर्म केचुआ, तो एनेलिडा ऑर्थोपोडा फिश एम्फीबिया बर्ड्स मैमल, मतलब सिंपली एक लाइन में एनेलिडा से लेकर मैमल तक जितना भी ऑर्गेनिज्म होगा सब होगा यू सिलोमेट। तब अब हम लोग का क्वेश्चन आएगा कि तो सीडो सिलोमेट किसे कहेंगे, सीडो सिलोमेट किसे कहेंगे, तो हम लोग इसमें क्या होगा, सिंपली इस पिक से समझिएगा, ये इंडो ये हो गया आपका इक्टो, ये हो गया मेजो, इस तरह से पॉस जैसा, ये भी हो गया मेजो, ये मेजो है, ये भी मेजो है, ये भी मेजो है। तो स्पेस तो है, ये स्पेस है, यहां स्पेस है, लेकिन किसके बीच में स्पेस है, आपका इंडो एक्टो के बीच में। तो यहां पर देखिए, कंपेयर कीजिए कि यहां पर जो स्पेस है ये मेजो और मेजो के बीच है, ये भी मेजो है और ये भी मेजो है, ये भी मेजो है, ये भी मेजो है, लेकिन यहां पर कहां है, मेजो टूटा और टूटकर स्कैटर्ड हो गया, बिखर गया, किसके बीच, तो इक्टो और इंडो के बीच। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये फॉल्स कैविटी बना, तो इसी को हम बोलते हैं सीडो सिलोम, यानी फॉल्स कैविटी। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मेजोडर्म जो है वो स्प्लिट हुआ, टूटा, स्प्लिट मतलब टूटना, ब्रेक होना, एंड आफ्टर स्प्लिटिंग दे फॉर्म पाउच स्मॉल पीसेस एंड स्कैटर्ड बिटवीन इक्टो एंड इंडो, इक्टो और इंडो के बीच में बिखर गया, इसलिए उसको फॉल्स कैविटी बोलते हैं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। ठीक है, जो हम लोग देखेंगे, वेट, देखिए ए सिलोमेट, एम इज नॉट सिलोमिस कैविटी, नॉट कैविटी लिख दिया बगल में, ये आपका डिफिनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये प्लैटे हेलमेंथिस का फ्लैट वॉर्म, इसको हम लोग टेप वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसके बॉडी में कैविटी नहीं होता, ये इसी का कुछ लार्वा का फिगर वगैरह है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करते हैं सीडो सिलोमेट फॉल्स कैविटी, तो किस में होता है ऐसा, तो सीडो सिलोमेट का एग्जाम्पल होता है तुम्हारा एक ही फाइलम एग्जाम्पल होगा, और वो फाइलम क्या होगा, वो फाइलम है प्लैटेलमेंथिस के बाद का एस्क हेलमिंथस या नेमा हेलमिंथस भी पहले लोग बोलते थे, नेमाटोडा, जिसका एग्जाम्पल होता है राउंड वर्म। राउंड वर्म कौन, जो बोलते हैं ना कि बच्चा लोग को पेट में जोंक हो गया, तो जो जोंक हो जाता है उसी को हम लोग बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, राउंड वर्म या एस्कैरिस लंबरिकॉइडस। तो यह आपका देखो लिखा हुआ है एस्कैरिस,
और ये लिखा हुआ है वुचरेरिया। वुचरेरिया मतलब फाइलेरिया वर्म, जिससे हम लोग को फाइलेरिया होता है, हाथ पाँव फूल जाता है ना, हाथी पाँव, तो हाथी पाँव को फाइलेरिया कहते हैं। और फाइलेरिया वुचरेरिया से होता है, ये जो बड़े या बच्चे लोग में गिरावासिस खा लेता है तो मिट्टी से उसका एक चला जाता है, उसके पेट में जोंक हो जाता है। लेकिन बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, राउंड वर्म या एस्कैरिस। तो एस्कैरिस और फाइलेरिया ये दोनों के बॉडी में कैसा होता है, फॉल्स कैविटी, सीडोसिलोमेट, क्योंकि बोर्ड पर डायग्राम बना दिए इसलिए हम लोग यहाँ पर पिक से शो किए, ठीक है। इसके बाद हम लोग यू सिलोमेट का बात करते हैं। तो यू मतलब ट्रू या सिलोमेट्स, तो इसमें कौन कौन सा होगा, तो एनेलिडा, मोलस्काटोपोडा एंड कोडाटा। आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा कि एंड होगा, ये थोड़ा सा एरर है, इसको हम सही कर देंगे, ठीक है। कोडाटा मतलब फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, टोटल वर्टिब्रेट प्लस हेमिकॉडेट वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके, अब एक हम लोग इंटरेस्टिंग पॉइंट देखेंगे जो बहुत कॉमन भी है, वो हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग को समझ में ज़्यादा आएगा। वो बेसिस का, क्लासिफिकेशन के बेसिस का बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। क्या है वो, तो देखिएगा, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो कॉर्ड मतलब तो सबको पता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, टीवी का कॉर्ड, मोबाइल का कॉर्ड। और नोटो का मतलब क्या होता है, नोटॉन होता है एक्चुअली, इसका मतलब होता है बैक, यानी बैक कॉर्ड। तो आपके शरीर में कौन सा बैक कॉर्ड है, ये हम लोग का बैकबोन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। कहो कैसे कॉर्ड जैसा क्यों है, क्योंकि बैकबोन तो बोन है, मैंने आपका बोन का कवर, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। इसको इस तरह समझिएगा कि आप कोई बिजली का तार देखते हैं तो ऊपर से प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक को समझ जाओ स्पाइनल बोन, और उसके अंदर कॉपर का तार होता है, वो तार हो गया स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि उस तार के ऊपर कवर है जो प्रोटेक्शन दे रहा है। तो हम लोग का बैक बोन बोनी कवरेज है, और उसके अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसके बिसाइड नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड ही आगे चलकर जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं उसको बन जाता है वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड डेवलप्ड इनटू वर्टिब्रल, क्योंकि वर्टिब्रेटा यानी कि फिश, एम्फीबिया, हम लोग फिश से लेकर मैमल तक, वर्टिब्रल कॉलम। इसको ऐसे समझिएगा, इट इज रॉड लाइक, सेमी रिजिड बॉडी, मैंने रॉड जैसा है और सेमी रिजिड है, मतलब पूरा रिजिड नहीं है, सेमी हाफ रिजिड। डॉर्सल टू एलिमेंट्री कैनाल, तो पिछले क्लास में बताया था ना, डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे, लैटर मतलब साइड, आगे ना यूज। रॉड लाइक सेमी रिजिड बॉडी, डॉर्सल टू एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल के पीछे, यानी फूड पाइप के पीछे, ठीक है। एंड प्रेजेंट एट लीस्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है मदर बॉडी में, यानी एम्ब्रियो का विकास हो रहा है, तो उस समय कम से कम ये पाया जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि एक एग्जाम्पल है कि एम्ब्रियो में होगा और बाद में चलकर नहीं होगा। मान लिया आपके पास कभी मोबाइल आया एक दिन के लिए चाहे दो दिन के लिए, तो बोल सकते हैं ना कि मोबाइल था इसके पास, अब नहीं है। तो उसी तरह से नोटोकॉर्ड एक एनिमल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूरोकोडाटा। क्या बोलते हैं, यूरोकोडाटा। तो यूरो का मतलब होता है टेल, और कोडाटा मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड हो, ये आगे आप पढ़ेंगे भी ज्यादा, यानी किसके टेल में नोटोकॉर्ड था। नोटोकॉर्ड कहाँ होता है, बैक में, लेकिन टेल में था, वो भी सिर्फ एम्ब्रियो में, और जब वो डेवलप हुआ तो वो हट गया, ठीक है। तो इसलिए डिफिनेशन में हुआ कि प्रेजेंट एट लीस्ट इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड इट लेटर, लेटर मतलब बाद में, एंड लेटर डेवलप इनटू वर्टिब्रल कॉलम इन सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो अगर नोटोकॉर्ड होगा तो बोलेंगे कोडाटा, अगर नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोडाटा, ठीक है। अगर अब्सेंट होगा, नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट, या दूसरा नाम नन,
कॉर्डेट बोलते हैं ना कि भेज नन भेज, नन मतलब क्या होता नॉट, ए मतलब भी नॉट, नन मतलब भी नॉट, तो नन कॉर्डेट कौन हो गया, तो आपका अर्थवर्म, केचुआ, टेपवर्म, अभी पढ़े थे हम दो देखे थे, फाइलेरिया वर्म, कॉकरोच, स्कॉर्पियन, क्रैब, घोंघा, स्टारफिश, यानी कि आपका जितना भी ये सब है फाइलम, पॉरीफेरा से लेकर, पॉरीफेरा जो स्पॉन्ज होता है उससे लेकर, आज हम लोग उसका डिफिनेशन ही पढ़ेंगे, स्टारफिश तक नन कोडाटा, और कोडाटा में आपका टोटल वर्टिब्रेट और यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, ये सब आपका डिफिनेशन हो गया, ठीक है। एक पॉइंट और है सेगमेंटेशन, थोड़ा सा उस समझ में आप लोग को नहीं आएगा लेकिन फिर भी वो पढ़ना है। सेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे आप अर्थवर्म को ध्यान से देखिएगा तो उसके बॉडी पर लाइनिंग होता है, जैसे फिंगर में है ना लाइनिंग, उस तरह से उसके बॉडी पर चारों तरफ से लाइनिंग होता है, जैसे अपने हाथ में धागा लपेट लो तो क्या होगा लाइनिंग बन जाएगा, तो इस तरह से लाइनिंग होता है, ठीक है। तो ये लाइनिंग एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है, इसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो कहता है क्या कि दे सो रिपीटेड सेगमेंटेशन एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द बॉडी, मैंने होल बॉडी में नहीं लेकिन बॉडी कुछ पार्ट में एक्सटर्नल सेगमेंट भी होगा और इंटरनल भी, मान लो कि ये अपर लेयर ये लोअर लेयर, तो जहां पर ये सेगमेंट है वहां पर मैं फिंगर के नीचे दूसरे में भी सेगमेंट होगा, ठीक है। तो सेगमेंट रिपीटेड एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मेरा मेटामेरिक सेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन का भी एक फीचर से क्लासिफिकेशन में, नोटोकॉर्ड का भी एक फीचर से सबसे आसान यही है कि नोटोकॉर्ड है तो कोडाटा और नहीं है तो नन कोडाटा। ये सब आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। एक पॉइंट और देखिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज, जैसे हम लोग में जो आप देखते होंगे वेन है, ठीक है, वेन ब्लड वेसल्स, तो जो ब्लड बह रहा है हम लोग के बॉडी में सर्कुलेशन वो एक नली से हो रहा है ना, वेन से आर्टरी से, लेकिन जो कॉकरोच होता है जो मोलस्का होता है उसमें इस तरह से ब्लड वेसल्स नहीं होता, उसमें ओपन बहता है, मैंने बॉडी का जो ऑर्गन है, हम लोग का जो किडनी हार्ट है ब्लड में डूबा हुआ है नहीं, खून के नली से ब्लड वेसल से ब्लड पहुंच रहा है, लेकिन जो कॉकरोच होता है मोलस्का होता है उसका बॉडी का इंटरनल पार्ट वो ब्लड में डूबा होता है, उसको बोलते हैं बाथेट टाइप, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये भी एक पॉइंट है क्लासिफिकेशन का कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है या सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। जितना भी वर्टिब्रेटा होता है, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, अब आपका ऑर्थोपोडा मतलब कि कॉकरोच, मॉस्किटो, ये सब जितना है वो ओपन है, स्टारफिश ओपन है, ये आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। एक बार याद रखिएगा कौन कौन, सबसे पहला लेवल ऑफ डेवलपमेंट, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री कटिंग के आधार पर बायलैटरल रेडियल, ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर जो आज पढ़े हम लोग डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम यानी बॉडी कैविटी, ए सिलोमेट मैंने बिना बॉडी कैविटी का, सीडो सिलोमेट फॉल्स मेजोडम टूटकर एक टू इंडो के बीच में बिखर गया, और ट्रू सिलोमेट मेजोडम टूटा लेकिन आधा इक्टो के साथ आधा इंडो के साथ और मेजोडम के बीच में कैविटी बना। तो हम लोग बोलते भी हैं कि सिलोम विच इज लाइन बाय सराउंडेड बाय मेजोडम डेट इज कॉल्ड ट्रू कैविटी, और लास्ट नोटोकॉर्ड प्रेजेंस ऑफ सेंस, ये आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम लोग न्यू चैप्टर न्यू फाइलम, चैप्टर नहीं चैप्टर तो एनिमल किंगडम ही है लेकिन हम लोग इसमें अब फाइलम वाइज पढ़ेंगे, और आज का जो पहला फाइलम है वह है फाइलम पॉरीफेरा, लेकिन हम लोग कुछ पॉइंट को और देख लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग सेगमेंटेशन का देखे हैं कि बॉडीज एक्सटर्नली बोले भी थे कि बाहर से एंड इंटरनली, एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है खंड, विथ सीरियल रिपीटेशन एटलीस्ट सम ऑर्गन, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म या पूरा फाइलम एनेलिडा भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनेलिडा में अर्थवॉर्म होता है, फिर तुम्हारा नेरिस होता है जिसको सैंड वॉर्म कहते हैं, है ना, हिरुडिनिया, आपका लीच जो बफेलो वगैरह होता है ना भैंस पर जोक जो बोलते हैं वो भी इसी फाइलम में आता है,
बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक, बोले भी थे आपको, अब मेटामेरिज ये आपका दिखा रहा है पिक में, आप लोग जब पढ़िएगा तो पिक तो आपके पास है ही, आपका डाउनलोड है ना। नोटोकॉड ये भी हम लोग पढ़ चुके, अब हम लोग का आज का टॉपिक पॉरीफेरा होगा, ठीक है। तो पॉरीफेरा में हम लोग यहाँ पर तो बाद में देखेंगे, मेन तो समझना है, लिखा हुआ तो आपके पास है ही, आपका डाउनलोड कीजिएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, मेन तो समझना है, बुक में भी लिखा है, समझना मेन है। तो हम लोग बोर्ड पर समझते हैं कि कैसे कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। आप लोग सभी कोई एनसीईआरटी बुक जरूर फॉलो कीजिए, अगर कोई मेडिकल का एग्जाम देते हैं नीट, ठीक है, पहले तो लोग पीएमटी कहलाता था, प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है, लेकिन आज लोग इसको हम लोग नीट के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी को मेडिकल देना है, नीट देना है, तो एनसीईआरटी बायो का हम बात कर रहे हैं कि 90 क्वेश्चन आता है 90, और 90 में 80 से 85 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उसका डाटा। तो एनसीईआरटी आप 100% फॉलो कीजिए, जब एनसीईआरटी पूरा हो जाता है तब कोई एक साइड बुक एमटीजी का चाहे किसी का मॉड्यूल्स वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है, उसका एग्जाम्पल मस्ट है। एनसीईआरटी पूरा पढ़ लो, उसके बाद कोई भी एक साइड बुक को फॉलो करो, ठीक है। एनसीईआरटी फर्स्ट, देन अनदर कोई बुक को आप कीजिए, ठीक है। हम लोग का आज का टॉपिक है, ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा। इसके पहले हम लोग एक कैसे क्लासिफाई करते वो देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। आप ऐसे समझिए, होल अर्थ, इसमें 7 कॉन्टिनेंट हो गया, 7 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, बांटे ना, कहाँ पर बांटे, बड़ा स्तर पर। जैसे अगर आपका नाम मान ले विकास है या मोहन है, कुछ भी है, लिख देंगे मोहन इंडिया, पहुँच जाएगा लेटर आपके पास, बहुत सारा मोहन होगा बिहार में, यूपी में, एमपी में, क्योंकि आप कैटेगराइज नहीं हो पा रहे हैं कहाँ का मोहन कौन सा विकास, फिर बोल देंगे बिहार। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि अब ना एमपी, ना यूपी, ना दिल्ली, सीधे पहुँच गया बिहार, यानी कि आप नज़दीक आ गए। अब बिहार में लिख देंगे गया, और नज़दीक आ गया, ना पटना ना मुजफ्फरपुर, किसी भी जगह नहीं, इंडिया, इंडिया से सीधे बिहार, बिहार से गया। अब गया में लिख देंगे मोहल्ला, नूतन नगर, या आईपी कॉलोनी, या नए गोदाम, तो और नज़दीक पहुंच गया, गया भी बहुत बड़ा है, नए गोदाम में गली, फादर्स नेम, यानी क्या हुआ, एक पार्टिकुलर स्पेसिफाइड हो गया कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम लोग क्लासिफिकेशन भी करते हैं इसीलिए कि कौन सा एनिमल का क्या करेक्टर है और कहाँ पर वो प्लेस्ड है, कहाँ पर वो है, किस पोजिशन पर है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बैक होकर, जो कि बुक मुझसे से है नहीं, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो एनिमल किंगडम को हम लोग अगर बांटेंगे, किंगडम मतलब क्या हुआ, साम्राज्य, आपकी मैडम पढ़ा रही हैं उषा मैडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें 5 किंगडम है, थोड़ा सा हम बोल रहे हैं वो पार्ट उनका है, लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इसको तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले सिर्फ 2 किंगडम था, थोड़ा सा उनका पर हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, बाकी वो विशेष बताएंगे। एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम, यानी पौधों का जगत, एनिमल किंगडम जंतु का। लेकिन इसमें कुछ कंट्राडिक्शन था, जैसे बैक्टीरिया ना प्लांट है ना एनिमल है, ठीक है, कहो से एनिमल क्यों नहीं है, क्योंकि एनिमल होता है यूकैरियोटिक, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस है, केंद्रक है, यूकैरियोटिक, और बैक्टीरिया में क्या होता है कि ओपन होता है डीएनए क्रोमोसोम, और जबकि हम लोग में क्या होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में, तो ये पॉइंट नहीं है इसमें, तो ये कहलाता है प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो है वो भी था प्लांट किंगडम में, तो बताओ प्रोकैरियोटिक भी उसी में, यूकैरियोटिक भी उसी में, सिर्फ सेल वाल के कारण। फंजाई, फंगस, फफुंदी, कवक जो बोलते हैं ना, भुआ लग गया अचार में, आप लोग का अगर लेदर का चप्पल है या बेल्ट है वो भी भींग जाता है तो उस पर स्पॉट हो जाता है, वो स्पॉट भी क्या, फंगस है। आपको आश्चर्य होगा, जानते भी होंगे शायद, कि जो बोलते हैं रिंग वॉर्म जो दिखाता ना प्रचार, वो भी क्या है, फंगस है, यानी समझो कि तुम्हारे बॉडी पर भुआ लग गया, ठेठ भाषा तो यही है,
लेकिन वो क्या है, फंजाई, जिसको हम लोग हिंदी में कवक बोलते हैं, कवक, ठीक है, फंगस, फफुंदी। फंगस भी किस में था, प्लांट में। तो उसको शूट आउट किया गया जो प्रॉब्लम था, और 5 किंगडम में बांटा गया व्हिटेकर के थ्रू। कौन कौन? मोनेरा किंगडम, मोनेरा जिसमें प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा किंगडम जिसमें सिर्फ एक सेल वाला यूकैरियोटिक है, फंजाई किंगडम अलग हो गया ना, मोनेरा हो गया प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा हो गया सिंगल सेल लेकिन यूकैरियोटिक, फंजाई प्लांट और एनिमल। तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम, थोड़ा ब्रीफ कर दिए। अब एनिमल किंगडम को कैसे बांटेंगे, तो हम लोग बांटेंगे किसके बेसिस पर, नॉन कॉर्डाटा और कॉर्डाटा। नॉन कॉर्डाटा में कौन आ जाएगा, तो फाइलम, यानी फाइलम हो गया संघ, जैसे होता ना कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उस तरह से फाइलम हो गया। फाइलम क्या, जो अभी आज हम लोग पढ़ेंगे, पॉलीथेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा। तो इस तरह से फाइलम प्लैटेलमेंथिस, फाइलम नेमालमेंथिस, फाइलम एनेलिडा, फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम इकानोडर्माटा तक नॉन कॉर्डाटा में आएगा। और कॉर्डाटा में कौन सा आ जाएगा, इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं। कॉर्डाटा जिसमें नोटोकॉर्ड है, अभी हम लोग पढ़े भी हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, और इसमें क्या हो जाएगा, नोटोकॉर्ड अब्सेंट, सबसे आसान, ठीक है। कहाँ तक है ये, तो ये आप लोग जो पढ़े हैं उतना समय ज़्यादा लग जाएगा, फाइलम पॉरीफेरा से लेकर फाइलम इकाइनो डर्माटा, क्योंकि 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं थोड़ा, जिसका एग्जांपल स्टार फिश है। कौन है, स्टार फिश। एक और भी है, ठीक है, हेमिकोडाटा, अभी उसको मेंशन नहीं करेंगे। तो ये सब सब आपका आ जाएगा इनवर्टिब्रेट में। कोडाटा में कौन, तो इसका हो जाएगा आपका दो पार्ट, एक या तीन भी कह सकते हैं, यूरोकॉर्डेट सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट। ये भी फाइलम है, फाइलम। तब ये तीनों क्या हो गया, जैसे उसका सब हो गया ना, जैसे सीएम और डिप्टी सीएम, तो ये क्या हो जाएगा, सब फाइलम। क्या हो जाएगा, सब फाइलम। इसको डिफाइन करेंगे हम लोग बाद में, और इसी वर्टिब्रेट में, क्योंकि इसमें बन जाता है वर्टिब्रल कॉलम, और इसी में आ जाता है कौन कौन, फिश, एम्फीबिया, हम लोग। तो ये तो हम लोग बाद में इसको विशेष करेंगे, थोड़ा सा बता देंगे क्यों हम लोग फाइलम का नाम पर हैं, और हम लोग का आज का टॉपिक है क्या, ध्यान दीजिएगा इस पर, क्योंकि अब समझने का है, फाइलम पौरी फेरा। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है पोरस, पोरस का मतलब पोर, तो पोर का मतलब क्या, छिद्र, जैसे हम लोग में होता है ना पोर्स, स्किन में पोर है, पसीना निकलता छिद्र है तब, ठीक है। और सेकंड है फेरस, यानी पौरी अलग है, फेरा अलग है, जैसे होता है ना गणेश, तो गना जो इस, तो फेरस मतलब क्या होता है, टू बियर, क्या स्पेलिंग निकल गया, मीनिंग पोर बियरिंग एनिमल। हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, पोर बियरिंग एनिमल, यानी इसके बॉडी पर छोटा छोटा पोर होगा, ठीक है। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, इसके बॉडी पर क्या होगा, इस तरह से पोर होगा, ये क्या है, पोर है, ठीक है। तो इस पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोर को हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है। अगर इसको हम लोग कहते हैं क्या,
ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि ये ऊपर का लेयर एक्टोडर्म जो पार्ट से हम लोग, और ये इंडो। तो ये जो स्पेस देख रहे हो ना अंदर आ रहा है, ये सारा स्पेस क्या है, पोर्स है, थोड़ा डिफाइन करने के लिए क्या है, ऑस्टिया। बीच में ये कैविटी है, तो इस कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो कैविटी है स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। ये जो ऊपर का पार्ट हो गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम, यानी ऑस्टिया फर्स्ट, स्पॉन्जोसील सेकंड, और ऑस्कुलम तीन। इसका हम लोग अभी यूज भी देखेंगे, ठीक है। इसका अगर हम लोग एक देखते हैं, अगर आप लोग को अगर मिलता है तो हम दिखाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, यही है फाइलम पॉरीफेरा का एग्जाम्पल, तो देख रहे हैं ना, इसमें है ना पोर, ये सब मेंशन नहीं हुआ है, तो ये जो छोटा छोटा पोर है हम लोग देख रहे हैं, तो ये पोर ऑस्टिया है, ये ऊपर जो है ये ऑस्कुलम है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा, जो छोटा 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 देख रहे हैं ये पोर्स है ऑस्टिया। बीच में जो कैविटी बनेगा, इस तरह से कैविटी जो बनेगा, ये हो जाएगा स्पॉन्जोसील, और जो ऊपर का ये पार्ट है ये कहलाएगा ऑस्कुलम, ठीक है। ये ट्विंग है, लकड़ी का टुकड़ा है चाहे कुछ भी है, ये रॉक है, क्यों आगे हम लोग बोर्ड पर पढ़ेंगे, लेकिन जब पिक देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग समझा देते हैं कि ये सेसाइल होता है। सेसाइल मतलब इसमें मूवमेंट और लोकोमोशन नहीं होता है, तो कुछ लोग इसको प्लांट समझा था, अरस्तु भी इसको प्लांट में रखे थे, ठीक है। लेकिन बाद में इसका जब बिहेव देखा गया तो प्लांट का कोई फीचर्स नहीं पता चला, न उसमें सेल वाल है, न क्लोरोफिल है, ना स्वापोसी है, मैंने ऑटोट्रॉप्स नहीं है, तो इसको एनिमल कंसिडर किया गया, एनिमल का फीचर्स है भी, यानी कि सेसाइल होता तो किसी चीज़ से चिपका हुआ होता है, अटैच होता है, तो ये रॉक पार्ट है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, तो इसी तरह से फिक्स होता है, ठीक है, मूवमेंट इसमें लोकोमोशन नहीं होता है। तो ये पिक आपको कॉमन मिल जाएगा, और हम लोग इसको फिर बाद में देखेंगे तो डिफाइन भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सुनिएगा, लिखवा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉरीफेरा इज द स्मॉल फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ये छोटा सा फाइलम है, इसमें अप्रॉक्स 5000 स्पेसीज होता है। पॉरीफेरा का नाम कौन दिया, तो रॉबर्ट ग्रांट है ना, जैसे कि हम लोग का नाम हमारे फादर दिए होंगे चाहे दादा दिए होंगे कोई भी, तो पॉरीफेरा वर्ड वही दिए, ठीक है। और इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ये मोस्टली मैरीन है, मैरीन मतलब समुद्र में पाया जाने वाला, दो तरह का एनिमल होता है, वाटर में ही, एक्वेटिक मैरीन स्पेसिस और फ्रेश वाटर। तो ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, कि अगर नाली में भी मिल रहा है कोई एनिमल, नाली में, गंदा पानी में, गबरा में, फिर भी उसको बोलेंगे फ्रेश वाटर। क्यों बोलेंगे फ्रेश वाटर, क्योंकि वाटर को कैटेगराइज किए हैं या तो मैरीन यानी समुद्र, या तो फ्रेश वाटर जो मैरीन नहीं है, तो निश्चित है कि नाली का पानी समुद्र का पानी नहीं है, गंदा है, डर्टी है, इम्प्योर है, लेकिन है वो फ्रेश, समुद्र का पानी नहीं है। तो एनिमल दो तरह का एक्वेटिक होता है, जलीय, एक मैरीन स्पेसिस और एक फ्रेश वाटर, मैं नदी तालाब पोखर ये सब में। तो इसका ऑलमोस्ट एनिमल मैरीन है, यानी समुद्र में पाया जाता है, खारा पानी में, ठीक है। कुछ होता है फ्रेश वाटर, जैसे स्पॉन्जिला, सब मिल जाएगा आपको नोट्स में भेजा हुआ है। फिर ये सेलुलर है, हम लोग पहला फाइलम पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़े हैं ना हम लोग लेवल ऑफ डेवलपमेंट, तो ये एनिमल का फर्स्ट फाइलम है जो सिर्फ मल्टी सेलुलर है, लेकिन लैक ऑफ टिश्यू, मल्टी सेलुलर है लेकिन इसमें उत्तक का डेवलपमेंट नहीं हुआ, मल्टी सेलुलर लैक ऑफ टिश्यू। डिप्लोब्लास्टिक भी बोल सकते हैं, यानी इक्टोडर्म और इंडोडर्म से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि टिश्यू नहीं तो ऑर्गन भी नहीं होगा, ऑब्वियसली जब टिश्यू ही नहीं है तो ऑर्गन कहाँ से होगा, सिर्फ सेल है, तो काम कैसे करता होगा, जैसे हम लोग में लीवर किडनी सब अलग अलग काम करता है, तो सेल ही अलग अलग तरह का होगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, जैसे ट्रोफोसाइट न्यूट्रिशन के लिए, आर्कियोसाइट है ना, थियोसाइट टच के लिए, सेंसेशन के लिए, तो इस तरह का अलग अलग हम लोग का
नर्वस सेल सब सेल लेवल पर काम होगा, मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ सेल टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। इसके बाद और क्या होगा, तो एक इसमें यूनिक फीचर्स है जो आपका पिक बना हुआ है, तो इसको डिफाइन भी कर देते हैं कि इस फाइलम का जितना मेंबर होगा, चाहे वो फ्रेश वाटर का हो, चाहे मैरीन का हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें एक सिम्टम होगा वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर मतलब वाटर, कैनाल मतलब रास्ता नली भी होता है, ठीक है, सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू पॉलीफेरा जो है न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन और एक्सक्रेशन, देखना ऑस्टिया से वाटर अंदर आ जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये ऑस्टिया है, ठीक है। तो ऑस्टिया से क्या होगा कि वाटर जो है अंदर आ रहा है, तो वाटर के साथ जो उसका कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, कुछ न्यूट्रिएंट होगा, वो भी अंदर आ जाएगा, आके कहाँ जमा हो जाएगा, स्पॉन्जो सील, स्पॉन्जो मतलब स्पॉन्ज और सील मतलब कैविटी, यानी इसके बॉडी के कैविटी में, बॉडी कैविटी नहीं है, मतलब इसके बॉडी के अंदर जो स्पेस है उसमें, क्योंकि बॉडी कैविटी तो मेजोडर्म से लाइन होता है ना, ये तो डिप्लोब्लास्टिक है। अब यहाँ पर ये अंदर का सेल होगा इस तरह से, अब बाहर का भी सेल होगा। अब इस पॉइंट, इस पिक से सब कुछ मेंशन करेंगे, तो बाहर वाले सेल को हम लोग, ये जो बाहर का सेल है इसको बोलते हैं पिनाकोसाइट या पिनाकोडर्म, और जो अंदर का है, ये जो अंदर का है, अंदर का इसको हम क्या बोलते हैं, कोनोसाइट या कोनोडर्म, इसका नाम कॉलर सेल भी है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये अब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे हम लोग का इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब करता है, तो स्पॉन्जो सेल में क्या क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन भी अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो रिस्पायरेशन भी, न्यूट्रिशन भी, और जो इसका वेस्टेज होगा वो इससे बाहर निकल जाएगा, किससे, ऑस्कुलम से, यानी एक्सक्रेशन, यानी स्पॉन्जो सील के थ्रू कलेक्शन हुआ, ऑस्टिया के थ्रू इंटर किया और ऑस्कुलम के थ्रू वो रिलीज हो गया, यानी न्यूट्रिशन भी, रेस्पायरेशन भी और एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन भी, किसके थ्रू, वाटर, वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम इज द यूनिक एंड एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ खास करके पॉलीफेरा का सिस्टम है, एक वाटर वस्कुलर है लेकिन वो इकानोडर्माटा का उसका अलग है, तो वाटर वस्कुलर सिस्टम, सॉरी वाटर कैनाल सिस्टम होगा पॉलीफेरा का, कंफ्यूज मत होना, वाटर कैनाल पॉलीफेरा, जब आगे पढ़ेंगे तो एक वाटर वस्कुलर मिलेगा जो कि स्टारफिश का है, डिप्लोब्लास्टिक मल्टीसेलुलर, इसमें सेक्स सेपरेट नहीं होता है, मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होता है, तो जब मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं बाईसेक्सुअल, बाई मतलब टू और सेक्स मतलब सेक्सुअल फीचर्स, मैंने दोनों सेक्स ऑर्गन सेम है, जैसे फ्लावर मेल और फीमेल एक साथ होता है ना, पढ़े होगे हिंदी में स्त्री केसर पुंग केसर या आपका एंड्रोसियम और गाइनेसियम, तो दोनों सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल एक साथ होगा, इसलिए इसको बोलेंगे बाईसेक्सुअल, ठीक है। और इसमें फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन जो है फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल होगा, और इसका लाइफ जो है वो इनडायरेक्ट होगा, लास्ट पॉइंट पर ध्यान देना, इनडायरेक्ट का मतलब जैसे मान लो कि एग, एग में से जैसे मुर्गी का है या स्पैरो का, चिड़िया का, तो उसमें से जो बच्चा निकलता है बिल्कुल चिड़िया जैसा होता है, ठीक है। लेकिन जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग, तो फ्रॉग के अंडा से जो निकलता है लार्वा, उसका लुक मछली की तरह होता है, हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं बेंग मछली, तो बेंग मछली वो मछली नहीं है, वो फ्रॉग का लार्वा है, और उसका लुक में दोनों ना ऊपर का पैर नहीं है, नीचे का है, ऊपर में मछली की तरह तैरता है, फिन्स है, तो कुछ करेक्टर फिश का है, इसलिए उसको बोलते हैं बेंग मछली कॉमन लैंग्वेज में हम लोग, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं टेडपोल लार्वा। अब वो फिर आगे बढ़कर फ्रॉग बनेगा, मेढक बनेगा। तो अगर एग से डिफरेंट स्ट्रक्चर का कोई एनिमल निकलता है तो उसको हम बोलते हैं लार्वा स्टेट, और लार्वा फिर डेवलप होकर यंग बनता है। तो एग, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद यंग, तो बीच में एक स्टेज आया, कौन सा स्टेज आया,
स्टेज आया लार्वा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट एग में से यंग जैसा नहीं डेवलप हुआ, ठीक है, तो हम लोग इसको हम बोलेंगे, ठीक है, लार्वल स्टेज। तो हम लोग साफ साफ पॉइंट को क्लियर कर देते हैं कि रिप्रोडक्शन इसका फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल जब सेक्सुअल होगा तो, और एसेक्सुअल भी होता है फ्रेगमेंटेशन से टूटकर, जैसे हम लोग का ये हाथ है ये दो पार्ट में कट जाए, इसे एक नया बन जाए, इसे भी एक नया बन जाए, तो कोई गेमिट यूज नहीं हुआ, कोई स्पर्म ओवम यूज नहीं हुआ, सीधे टूट गया। जैसे एक और समझिएगा, जैसे स्टेम कटिंग की है, चार लगा दिए, चार पौधा हो गया, तो उसमें पॉलन ग्रेन है, पुंकेसर है, नहीं है, तो बिना गेमिट का अगर डेवलपमेंट होता है तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल, अगर गेमिट यूज होगा तो बोलेंगे सेक्सुअल। तो इसमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी, ए मिस नॉट, यानी एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन से और सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इंटरनल, मेल फीमेल एक साथ है तो बाइसेक्सुअल, और लाइफ साइकिल कैसा है, इनडायरेक्ट, क्यों, क्योंकि इसमें लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल कौन सा होगा, बहुत सारा है, फिर भी दो तीन एग्जाम्पल, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे देखते हैं ना गद्दा, उसमें क्या होता है, छेद छेद जैसा होता है, तो इसका लुक भी वैसा ही होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पॉन्ज, ठीक है। स्पॉन्जिला, हाइलोनीमा, ठीक है, ग्रैंसिया, इस तरह का बहुत सारा आपका एग्जाम्पल मिलेगा। यूप्लेक्टेला, तो ये फाइलम पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है, बाकी आपका नोट्स में आपका डाउनलोड कीजिएगा, और ज़्यादा लिखा हुआ मिल जाएगा, तो लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, समझना हम लोग को मेन था। तो आज हम लोग का ये फाइलम फिनिश हुआ, नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ के आइएगा, अगर पढ़ के आना होगा तो फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा, अगर समय मिलेगा तो फाइलम प्लैटी हेलमेंथिस भी टच करेंगे, तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा पढ़ के आइएगा, हम लोग देखेंगे कैसे उसमें अगला डेवलपमेंट है, इससे आगे कैसे है वो। धन्यवाद।